हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आज है भारतीय संविधान दिवस। इसी दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को वर्ष 1949 में स्वीकृति दी थी। इसके दो महीने बाद यानी कि 26 नवंबर 2050 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। पहली बार इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी। संविधान दिवस के अवसर पर आज सेंट्रल हॉल में भारत सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। आज छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। यह बैठक नवा रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद उसे स्वीकृति दी जा सकती है। आज अयोध्या से जनकपुर के लिए प्रस्थान करेगी राम बारात। भारत और नेपाल के बीच प्राचीन मैत्री की जड़ों को मजबूत करने के लिए विवाह पंचमी के अवसर पर हर वर्ष जनकपुर पहुंचती है अयोध्या से श्री राम जी की बारात। बिहार बीजेपी आज धूमधाम से संविधान दिवस मनाएगी। इसके तहत प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक समारोह का आयोजन किया जाएगा और संविधान की प्रतियां और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिए। संविधान दिवस कार्यक्रम को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव का मुद्दा बनता जा रहा है। जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के संबोधन की मांग की है, वहीं विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विशेष कार्यक्रम के लिए मुख्य मंच पर लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं को जगह दी है। विपक्ष बिना तथ्यों को जाने हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने को आतुर रहता है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री भी संबोधित नहीं कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी के संबोधन की मांग का कोई मतलब नहीं होता। भारत की दूसरी सबसे बड़ी इनामी राशि वाली बैडमिंटन चैंपियनशिप का लखनऊ के यूपी बैडमिंटन अकादमी में आज से आगाज होगा। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के साथ ही विदेशी खिलाड़ी भी जलवा बिखेरेंगे। संविधान की रक्षा के लिए राजस्थान कांग्रेस आज से 60 दिनों तक चलाएगी संविधान रक्षक अभियान। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में रैलियां निकालेंगे। घर घर संपर्क और परिचर्चाओं के माध्यम से प्रमुख कांग्रेसी जन संगठन के पदाधिकारी और कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ जनता के बीच जाकर वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों से बनी परिस्थितियों को उजागर करेंगे। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के आए उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम अपने संकल्प एवं जनसुराज अभियान से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जनसुराज पार्टी 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जहां जसपा के इस फैसले से महागठबंधन और RJD को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। संभल में जामा मस्जिद को लेकर हुए बवाल के मामले में DM डॉक्टर राजेंद्र पैसैया और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बवाल करने वालों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी वाहनों एवं अन्य संपत्तियों के नुकसान की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही DM ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के आरोपों का खंडन किया। सदर ने कहा था कि DIG, DM और SP ने गोली चलाने का आदेश देते हुए उन्होंने सुना था। इस पर SP ने जवाब दिया कि तीनों अधिकारी कभी भी एक साथ मौजूद नहीं थे। जिस समय उपद्रव हुआ उस समय DIG नहीं पहुंचे थे, जबकि DM अंदर सर्वे करा रहे थे और SP स्वयं उपद्रवियों का सामना कर रहे थे।
पंजाब उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी आज पटियाला से अमृतसर तक निकालेगी शुक्राना रैली, जहां नया प्रधान मिलने की भी है खुशी। सीएम भगवंत मान भी होंगे शामिल। हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर जा रही एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई, जहां बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक के सूझबूझ से सभी 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पवार के निधन पर राज्य आंदोलनकारियों ने शोक जताया। उनके राज्य आंदोलन में योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपना पद छोड़ने का संदेश केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। बता दें कि चुनाव में बीजेपी को महज 21 सीटें ही मिली थी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आदिवासियों के साथ संरक्षित जनजाति वेगा के लिए जनजाति कल्याण केंद्र बनाया गया है, जहां पिछले 29 वर्षों में काफी लोगों का उपचार हुआ और कम से कम लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जहां 22 नवंबर को हुए इस प्रसव के बाद कूनो में कुल चीतों की संख्या 28 हो गई है। बिलासपुर में मनाया जाएगा हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया निर्देश ताकि यादगार रहे ये जश्न। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी ताराकोट मार्ग रोपवे परियोजना के विरोध में प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें CRPF का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और SHO कटरा चमन गोरखा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे के 2 दिन बाद भी महायुति गठबंधन ने अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि आज ये ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आज वहां पर विधानसभा का 5 साल पूरा हो रहा है और अगर आज मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। उधर कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से सीएम शिंदे, अजीत पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है और खबर है कि आज सुबह तड़के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है शिल्पी बेग बनर्जी, रवि दत्त, गीता अनुरागी, अयोध्या प्रसाद राठौर, इसाराम बेनीवाल, कांता प्रसाद, चंद्रजीत, करुणा चक्रवर्ती, राम नारायण तिवारी, गुडवेज ट्रेवल्स, मैंग न्यूज 24, अशोक कुमार आर्या, अरुण दांगे, उपेंद्र, SP सिंह, रवि कुमार, अशोक परमार, सुनील कुमार पाथीपाका, सत्येंद्र साह, राजेंद्र केलवा, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, KP तिवारी, दीनाबंधु कलसाई, DK पाठक, राजेश रॉय, रक्ष आर्या, शिवाजी पटेल, सुल्तान अंसारी, प्रयास यादव, रणधीर सिंह, मेदीलाल मौर्या, केशव चंद तिवारी, काजल गोंगली, प्रहलाद पंडित, बलवंत सिंह गिल, बंटी हजारिका, प्रवीण कलिता और सुरेश कुमार। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।